टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई दोस्तों जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में जो दोस्तों ह्यूंडई की तरफ से आया हुआ है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल से। और यहाँ दोस्तों जॉब हाईलाइट है, अगर इस जॉब हाईलाइट के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपका 2 से 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ दोस्तों वैकेंसी के बारे में तो मेंशन नहीं किया गया है। जॉब लोकेशन दोस्तों चेन्नई रहने वाली है और यहाँ पर अभी सैलरी के बारे में भी कुछ बताया नहीं गया है। और इसमें दोस्तों आपका रोल क्या होने वाला है, वो आपका एक्सपेडिटिंग, मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, SAP और यहाँ पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इस टाइप का आपका वहाँ पर रोल होने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की। तो यहाँ पर लिखा गया दोस्तों रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या होने वाली है। तो यहाँ पर लिखा गया दोस्तों कि लार्ज स्केल ऑटोमोबाइल प्लांट, पैसेंजर कार प्रोडक्शन, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रीमियम पार्ट एक्सपेंडिटिंग फ्रॉम बोथ एंड लोकल एंड ओवरसीज। तो यहाँ दोस्तों अब यहाँ आगे दिया गया दोस्तों स्टॉक मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन लाइन, मटेरियल स्टोरेज मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट, इस प्रकार से है दोस्तों। अब अगर नीचे देख लेते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है मटेरियल चेक प्लान एनालिसिस, प्रोडक्ट प्लान क्लियरेंस और यहाँ पर एयर फ्रेट मॉनिटरिंग, इस टाइप से दोस्तों जॉब की डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पर दोस्तों आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है कि डिजायर्ड कैंडिडेट्स प्रोफाइल आपकी क्या होनी चाहिए। तो इसमें आपको दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि शुड बी प्रिफरेबली फ्रॉम ऑटोमोबाइल मटेरियल मैनेजमेंट बैकग्राउंड। और आपको दोस्तों यहाँ पर आगे लिखा गया है कि 3 शिफ्ट में आपको काम करना होगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। और यहाँ पर आगे लिखा गया दोस्तों कि BE, BTEC, ME, MTEC यहाँ पर जो कि फुल टाइम वाले हैं वह एलिजिबल नहीं है, ये दोस्तों केवल डिप्लोमा वालों के लिए या जॉब की रिक्रूटमेंट आई हुई है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 2 साल से 7 साल के बीच का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, सिस्टम नॉलेज होना चाहिए, SAP, BOM एट्सेट्रा, और यहाँ पर शुड हैव हाई कम्युनिकेशन स्किल, तो ये आपका जरूर से ही होना चाहिए। और आगे दोस्तों यहाँ पर दिखा गया है कि सॉफ्ट स्किल एंड MS Office इस टाइप से आपका होना चाहिए और MIS रिपोर्ट प्रिपरेशन भी आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आप दोस्तों आगे देख लेते हैं, तो अब यहाँ पर इंडस्ट्री टाइप ऑटोमोबाइल है, फंक्शनल एरिया क्या है, परचेज, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन और आपका रोल क्या होने वाला है, तो सीनियर स्पेशलिस्ट आपका होने वाला है। दोस्तों एम्प्लॉयमेंट टाइप की बात की जाए तो आपका फुल टाइम परमानेंट है। और एजुकेशन की बात की जाए तो यह डिप्लोमा इन एनी स्पेशलाइजेशन है। दोस्तों आपका डिप्लोमा में कोई सा भी स्ट्रीम हो, कोई भी ब्रांच हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर दोस्तों naukri.com की वेबसाइट है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक दोस्तों आपको इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप आएंगे तो यहाँ पर अप्लाई वाला बटन दिया है, तो यहीं पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, और आपने पहले से प्रोफाइल क्रिएट कर ली है तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफाइल नहीं है तो आपको तुरंत से अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, तो इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जरूर सही रिप्लाई दिया जाएगा। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।